अखन से युद्ध करने के लिए, अखन बागड़ी से युद्ध करने के लिए इस अमृतसर के गढ़ में पूरी तरीके से मंत्रणा हुई। अखन का राज हिसार से लेके कई जगह पर था, हिसार, नारनौल, सतनाड़ी, और पूरी एक ताकत थी अखन। और ये वो स्थान था जहाँ पे अभी मैं हूँ, ये वो बारादरी है। उस बारादरी में बैठ के सारी मंत्रणा हुई। शेखा जी ने एक अपने सेना इकट्ठी की। उस सेना में लगभग शेखा जी के पास में 4000 अश्वारोही थे और अखन के पास लगभग उनसे दुगने अश्वारोही थे। सभी अश्वारोही सब के सब अच्छे थे, प्रशिक्षित थे, वो युद्ध के चालों को समझते थे और वाजव्यूह रचना में तो वो सब के सब एक माहिर थे। युद्ध में जाने से पहले महाराज शेखा जी ने बहुत प्रकार की मंत्रणा की थी, क्योंकि अखन बहुत ही बलशाली और बहुत ही परमवीर योद्धा था और उनके सभी भाइयों को जो है उसका साथ था और वो एक से बढ़ के एक महावीर योद्धा थे। अब हुआ ऐसे कि झुंझुनू उनका ठिकाना था, फतेहपुर उनका ठिकाना था, हिसार उनका ठिकाना था और अखन ने बहुत ही बाज जो व्यू होता है, बाज जो एक तरीके की लड़ाई का व्यू होता है उसका वो मास्टर था। शेखा जी जब वहाँ से चले तो सबसे पहले शेखा जी के सामने समस्या आई, इतनी बड़ी आर्मी का एक मैं प्रबंध कैसे करूँ, जिसको कि आज हम आम भाषा में लॉजिस्टिक कहते हैं, कि लॉजिस्टिक का मैं कैसे प्रबंध करूँ। शेखा जी का एक बड़ा, जब उन्होंने आर्मी का एक रीऑर्गेनाइजेशन किया, पुनर्व्यवस्थित किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक अपने लॉजिस्टिक को शामिल किया। शेखा जी के पास जितने बैल थे, गायें थी, बूढ़े घोड़े थे, वो सब उनको बिणजारों को दे दिया करते थे और बिणजारे उन पर राशन लाद करके शेखा जी जो रास्ता बताते थे उस पर वो पहले से ही आगे चल पड़ते थे और उनके पीछे पीछे शेखा जी का बैल के छकड़े थे, बैल गाड़ियाँ थी, उनमें उनका रसोवड़ा चलता था, बड़े बड़े बर्तन चलते थे। एक कुकिंग का, एक रसोई का एक जिम्मेदारी थी, वो बारी जाति के नामक एक जाति होती थी जो रसोवड़े थे उनकी होती थी। वो एक निश्चित स्थान पर जाकर पड़ाव डालते, वहाँ पर उनका शेखा जी की आर्मी आने से पहले उनका भोजन की व्यवस्था होती। अगले एक किचन उनका था, एक दूसरा फेज टू का होता था, जब एक किचन चल रही होती थी दूसरी किचन आगे चली जाती थी, तीसरी किचन आगे चलती। इस प्रकार से शेखा जी के रसोई का बंदोबस्त तीन फेज में चलता था, एक फेज काम कर रहा है, दूसरा फेज आगे जाकर चल रहा है, तीसरा फेज उससे आगे जाकर चल रहा है। ये उनकी बहुत बड़ी सुदृढ़ नीति थी, जिसको कहा गया है देखते ही फतेह, जो पंजाबी में गुरु गोविंद सिंह का कहा गया है। ये देखते ही फतेह का सिद्धांत तो शेखा जी बहुत पहले अपना चुके थे। ये तो संभव है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब यहाँ पर उदयपुर पधारे दुर्गादास जी से मिलने के लिए और 6 महीने वो यहाँ पर रहे, तो उन्होंने शायद इस विधि का, इस लॉजिस्टिक विधि का अध्ययन किया हो। इसको विधि को अपनाते हुए अंत में शेखा जी ने डाडा फतेहपुरा त्योंदा से करीब 3 किलोमीटर आगे एक बहुत बड़ी बणी थी, जिसको गोगा जी का वहाँ पर मंदिर है, और बहुत बड़ी बणी थी, उस बणी में जाड़ के दरख्त थे, वो मेरे देखे हुए हैं, बहुत घनी बनी थी, वहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। पानी की सुव्यवस्था थी वहाँ पर, उस पड़ाव में उन्होंने कुछ दिन बिताए, 3-4 दिन बिताए, तब तक तमरों के, निर्माणों के, चौहानों की सेनाएं भी आकर शामिल हो गई। अब शेखा जी की जो शक्ति थी वो करीब 7,500 अश्वारोही तक पहुंच गई थी और अखन के पास जो थी वो पहले से उसकी सेना थी। अखन को अपने भाइयों पे, अपनी शक्ति पे, अपने युद्ध नीति पे बहुत घमंड था, क्योंकि आज तक उसे कोई परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन अखन ने यहाँ पर अपने भाइयों की तरफ एक देखा तो एक मोहन, उनका जो सबसे जो छोटा भाई था, जिसको कहीं कहीं मोहन खां भी लिखा गया है, वो अपनी सेना को साथ लेकर आया। मोहन खां भी उतना ही बहादुर था जितना कि अखन खां था।
एक निश्चित समय पर उन्होंने ढोसी के पहाड़ के नीचे आकर के जो जो नारनोल सिंगाणा इस मार्ग पर एक पड़ता है वहाँ पर मैदान लगाया। आजकल वहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। इस स्थान पर एक युद्ध का एक बहुत बड़ा एक मैदान था और उस तरफ शेखा जी का युद्ध का एक पड़ाव डला हुआ था। वो पड़ाव वहाँ से करीब 8 किलोमीटर के रास्ते में था, बीच में नाला पड़ता है। उस नाले पर मैं गया हूँ। शेखा जी के पड़ाव से लेकर के और इस डोसी के पड़ाव तक का जो कच्चा रास्ता है, नाले का जो रास्ता है, मैं उस पर गया हूँ। वहाँ पर अखन की गतिविधियों के बारे में, उनके व्यूह रचनाओं के बारे में सारी डिटेल्स विवरण इकट्ठे किए गए। उसका एक सबसे बड़े जो एक पसंदीदा व्यूह रचना थी वो था ब्याज व्यूह रचना। बाज को किस प्रकार से उसके पंखों में जो शक्ति होती है उसी के हिसाब से वह युद्ध के शत्रु के पक्ष में दोनों विंग्स को फैलाते हुए अपनी रचना करता था। बाज जिस तरीके से पंख फैलाता है उसी तरीके से उसकी सेना मूव करती थी। बाज जिस तरीके से पंखों को घेरता है उसी तरीके से उसकी सेना मूव करती थी। उसके अलावा इनकी इंटेलिजेंस इनपुट जो थी राव शेखा जी की, उन्होंने उस बात को पहले टटोला कि अखन पे अटैक करने के लिए उसकी शक्ति क्या है और उसकी कमजोरियां क्या है, और उसके बाद जो है अपनी सेना को लेके उन्होंने कूच किया था। अपनी युद्ध रणनीति का एक प्रवाह वेग के साथ रचना करता था और शत्रु को किसी भी पक्ष में चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए उनको एक इतना विचलित करते हुए और अंत में हराकर उनको इनगल्फ करते हुए उनको मिटा दिया करता था, कोई बचता ही नहीं था। पर महाराव शेखा जी ने इस तरीके का व्यू रचा कि उनकी हेल्प के लिए उनके जो भाई बंद थे, जो नवाब थे यहाँ के झुंझुनू फतेहपुर और बाकी जगह से, क्योंकि रास्ता वहाँ जाने का एक ही था। महाराव शेखा जी के पुत्र जो है रत्ना जी से उन्होंने जब ये मंत्रणा की तो उन्होंने युद्ध नीति को जब डिसाइड करने के टाइम में उन्होंने बताया कि साहब इस बाज संरचना का तोड़ क्या है। रत्ना जी एक युद्ध विशारद थे, शेखा जी के द्वितीय पुत्र। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इन दोनों पंखों को ही काट दूं, तो वो कहाँ से लड़ेगा, बाज तो इस तरह रह जाएगा, क्या करेगा। तो कहा कि कैसे काटें, उनका तो खुद का एक जो एक रचना है, उनके जितने भी अच्छे अच्छे जो योद्धा हैं वो सब तो वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, कैसे किया जाए। कहते तो वो योद्धा तो हैं लेकिन उनके घोड़े प्रशिक्षित नहीं हैं। देखिए कितनी हद तक उन्होंने इस बात का दिन किया था। उनका कि उनके घोड़े आग से डरते हैं। अब ये शायद उनको हो सकता है कि उन्होंने अपने की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट प्राप्त की हो। तो उसी हिसाब से ये नीतियाँ बनाई गई थी कि उनकी दोनों साइड से जो उनकी स्ट्रोंग होल्ड थी उनको काट दिया गया। एक चुने हुए 300 व्यक्तियों को चुना, 300 सरंगों को चुना, उनमें से दुर्गा जी, रत्ना जी, आबा जी, अचला जी और उनके और दूसरे उसमें से कुछ और सैनिक थे जो शक्तिशाली सैनिक थे उनको साथ लेकर के और उन पर प्रहार किया गया। 150 एक तरफ, 150 एक तरफ, और उन्होंने इतना कंसंट्रेट किया, इनका एक प्रहार था उसको एक कंसंट्रेट कर दिया गया और इतना कंसंट्रेट हुआ कि वो दोनों के दोनों पंख उनके वहाँ से उनकी सदी दो जो सेंट्रल पॉइंट था उनका शक्ति का जो केंद्र बिंदु था जिसको कि उनकी लोकल भाषा में गोड़ बोलते थे वहाँ से उसको हटा दिया गया, हट गए। और जैसे वो हटे उनकी सेना का एक असंतुलन हो गया। तो लगभग 45,000 की सेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और भागने वालों को वहाँ जो रुके हुए थे उनको एक दूसरी टुकड़ी ने जाके वहाँ खत्म किया रत्ना जी के नेतृत्व। असंतुलन की अवस्था में शेखा जी का एक प्रबल आक्रमण हुआ और ये आक्रमण तीन तरफ से था, इसको वो सहन नहीं कर पाया। फिर भी एक ब्याज व्यूह रचना का जो गोल केंद्र बिंदु हरावल था उसमें स्वयं अखन खड़ा हुआ था, युद्ध कर रहा था, उसके अंगरक्षक थे, बड़े शक्तिशाली थे, भयंकर योद्धा थे, वो सब शेखा जी से अटक रहे। इसका इतना प्रबल प्रभाव था कि उसने शेखा जी के सर के ऊपर तलवार से प्रहार किया, उसकी तलवार उनके सरत्राण से, उनकी मुकुट से, उससे हेलमेट से फिसल करके और उनके आँख के ऊपर, दनी आँख पर लगी, जिससे एक अर्धचंद्राकार एक आकृति बन गई थी। भयंकर खून बह रहा था।
तो कवियों ने उसी वक्त राणा थे उन्होंने कहा कि साहब ये तो शेखा जी के माथे पर चंद्र चढ़ गया, ये तो स्वयं भगवान शिव बन गए। और वो एक बहते हुए खून में उनकी दाढ़ी, उनके कपड़े, सून से उनकी धाराएं बह रही थी, वो साक्षात रुद्र रूप में लग रहे थे। एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि उनके अखन से जब लड़ाई हुई तो उनके सर पे ऐसे तलवार से चांद का निशान बन गया, तो कवियों ने उसकी उपमा जो है चंद्र से की, वो जो घाव पड़ा उसकी, चंद्रमा आपके, आप तो महान महान जो है भगवान शिव की तरह दिख रहे थे कि आपके माथे पे चंद्रमा विकराल रूप, और आप युद्ध में जो है तांडव कर रहे थे, इस तरीके की व्याख्या कवियों ने कविताओं में की। उन्होंने अपने मुंह में घोड़े की लगाम पकड़ी शेखा जी ने, और शेखा जी ने अपना घोड़ा अखन के ऊपर डाल दिया। शेखा जी युद्ध करने में बड़े प्रवीण थे, दोनों हाथों से युद्ध चलाते थे। उन्होंने बाएं हाथ से अपना कुल्हाड़ा ऊपर किया और कुल्हाड़े का जो बीच का फल है इसके ऊपर उन्होंने अखन की तलवार को इसमें रोक लिया। उनकी तलवार यहाँ रुकी और शेखा जी ने दाहिने हाथ से एक जनेऊधारी प्रहार किया और अखन कंधे से लेकर के नीचे तक तिरछा दो भागों में कट करके घोड़े पर वहीं पर लुढ़क गया था। शेखा जी की तलवार का प्रहार इतना वेग था कि उनकी तलवार घोड़े की, उनकी अखन के घोड़े की पीठ पर तक आग लगी थी, वो वहीं ढेर हो गया था। इसी वक्त मोहन उनकी सहायता के लिए आया, उसका छोटा भाई मोहन खां, जिसको केवल मोहन लिखा है, कई के जगह उन्होंने बाद में मोहन सिंह भी लिखा है, वो आया, वो भी शेखा जी के हाथों मारा गया। जब ये युद्ध हो रहा था और ये युद्ध की एक परिणति में एक बदल गया था ये, तो एक पीछे की तरफ से उन्होंने अपना एक दल भेजा जो अखन का कैंप लगा था, उस कैंप में उनका रिजर्व था। उनका उस रिजर्व में कम से कम 800 सैनिकों के, 800 हजार सैनिकों की संख्या थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें अखन का इशारा मिले और कब हम अपने रिजर्व को कमिट करें और शेखा जी पर आक्रमण करें। उससे पहले इशारा मिलता उससे पहले ही इस दल ने जाकर के उन पर आक्रमण कर दिया, टेंटों में आग लगा दी और इस रिजर्व को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। ये एक पूर्ण अभियान था। इसके साथ में आए हुए उनके साथी, अखन के साथी जाटू तंवर, वो जब इस युद्ध में दूर से देखकर एक तमाशा देख रहे थे, युद्ध में शामिल नहीं हुए, और वो चुपचाप अपने घोड़े उठा करके और गुहाना की तरफ दौड़कर चले गए। उसके पश्चात महाराव शेखा जी का डंका हर जगह बजने लगा, सारे राजपुताने में, दिल्ली तक, लोदी तक, लोदी घबराने लगा था उनसे। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का बादशाह था, वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया था कि अखन जैसे, अखन बागड़ी जैसे शासक को हराना और उसे युद्ध में परास्त करके उसको मारना असंभव था। और महाराव शेखा जी ने बहुत ही सीमित शक्ति के साथ उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूत कर दिया था। मजे की बात यह है कि उनका कोई भी भाई या बांधव उसकी मदद को पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि रास्ते में निर्माण करे। तो इस तरीके की व्यूहरचना की कि क्यामखानी जो है वो लगभग खत्म ही हो गए उस इलाके से, और आज तक नहीं है। अब उसमें जाटू तवर लोगों ने जो सिंघाणा के शासक होते थे, तो बेसिकली वो डाकू ही थे। अब वो आसपास के इलाकों में डाका डालते और अपने यहाँ चले जाते। क्यामखानियों का संरक्षण था, अखन बागड़ी का उसको संरक्षण था, इसके मित्र थे वो, तो वो भी युद्ध करने आए थे क्यामखानियों के लिए। तो बागड़ी को हराने के बाद में उनका अगला टारगेट बने जाटू तंवर। जाटू तंवरों को जो है सबक सिखाने के लिए शेखा जी ने पूरी तरीके से फैसला किया, और जब जाटू तंवरों को ये पता चला तो वो महेंद्रगढ़ की तरफ भागे, और महेंद्रगढ़ में जाके वहाँ के जो सरदार थे उनको लगा कि कहीं वो राव शेखा जी के हाथों खेत ना हो जाए, तो उन्होंने वहाँ पे उनको संधि की, कर के रूप में बहुत सारे घोड़े, बहुत सारा धन उनको मिला, और उनको उन्होंने वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो तब जाके उनको उस संधि पे वो संधि हुई और शेखा जी वापस आए। एक यादव राज्य जो उन्होंने लिया था रेवाड़ी तक,
उसके ऊपर उन्होंने एक अच्छी पकड़ की। रेवाड़ी से लेके और यहाँ कह लीजिए आप आमेर तक शेखा जी की शक्तिशाली सल्तनत स्थापित हो गई। जाटू तवर जो है उसके बाद में कभी उन्होंने सर नहीं उठाया। उनका एक तरीका था कर व्यवस्था का, एक प्रबंध का एक तरीका था। प्रत्येक गांव में उन्होंने पटेल नियुक्त किए, थाने स्थापित किए और उनकी एक एक व्यवस्था थी, आंतरिक व्यवस्था आप कह सकते हैं, उसको स्थापित किया और एक प्रशिक्षण का एक गांव को वो उनको किया और एक सेना को गांव में जगह जगह पर उनको बसाया। और रत्ना जी इस विषय में आगे जाकर देखें तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। यही कारण है कि नारनौल से लेकर के महेंद्रगढ़ सतनाली इस इलाके में बड़ी मात्रा में उनके शेखा जी के पौत्र रत्ना जी के पुत्र हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं। कई वर्षों तक रेवाड़ी से लेके और आमेर तक महाराज शेखा जी के 360 गांव, कुछ इतिहासकार बताते हैं कुछ 548 गांव बताते हैं, उनकी एक मेव छत्र जो है उनकी सल्तनत कायम हो गई। और इसी प्रकार से ये जो सल्तनत उनकी कायम हुई, उन्होंने रत्ना जी को वहाँ उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया और फिर अमृतसर की तरफ प्रस्थान किया। तो कच्छावों में और गौड़ों के सैनिकों में यहाँ भयंकर युद्ध हुआ। चूँकि कच्छावा सैनिक जो थे, वो जो बराती थे, वो संख्या बल में बहुत कम थे, तो वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और वो जो छत्राणी है, उसने अपने पति का यहीं दाह संस्कार किया और उसके पश्चात यहाँ की एक मुट्ठी रेत वो अपने पल्लू में बांध के लेके गई।